तरक्की के लिए रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कायम करने का मुतालबा महाराष्ट्र असेंबली ने किया, क्योंकि इससे एमएलए बने हुए बहुत चर्चित रहे हैं रही शेख महाराष्ट्र। हमारे एमएलए रईस शेख साहब का अब मैं हमारे मेहमान राउत सर से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। राउत सर, फूलों का सत्कार प्रोग्राम के आखिर में होगा, मैं राउत सर से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। राउत सर, नौजवानों से गुजारिश है, बड़ा रुका हुआ है, इस्तकबाल रोकेंगे हम लोग थोड़ा। असल में मैं हूँ एक सदर मुदर्रिस स्कूल कारपोरेशन की तरफ से, लेकिन मैं यहाँ खास तौर से कंजूसी करने के बाद मैं तो बोल ही नहीं सकते, और इसको अगर आप पुरजोर अंदाज में तालियां बजाएंगे तो रईस शेख साहब का हौसला और बढ़ेगा, आपके शहर के लिए और काम करना चाहेंगे। किरदार को बनाने में तुम लोगों को जमाना लग जाएगा, रईस शेख को हराने में। आप लोगों ने जनाब अबू आसिम आजमी साहब और समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते हुए रईस शेख को कामयाब किया, और रईस शेख ने अपने काम के बुनियाद पर यहाँ की नेताओं की नींद को हरम किया। कल बाद आज भिवंडी में नई राजनीति की शुरुआत हुई है। भिवंडी में पहले अपराध की राजनीति होती थी, भिवंडी में पहले धर्म की राजनीति होती थी, भिवंडी में पहले जात पात की राजनीति होती थी, भिवंडी में पहले भ्रष्टाचार की राजनीति होती थी, भिवंडी में पहले घोटालेबाज की राजनीति। भाई आपका एमएलए रईस शेख खड़ा है, नहीं रहना है किसी से,
और भिवंडी के लिए एनसीपी और कांग्रेस एक ही सिक्के का दो पहलू। बदलने से शहर नहीं बदलने वाला है, अब फैसला आपके हाथ में है। शहर में बदलाव चाहिए या फिर दलवी मिलाकर आप चाहिए, फैसला आपके हाथ। भिवंडी में बदलाव बोलो भाई, बोलो युवाओं का इंकलाब होगा, निकम्मी कारपोरेशन पर वार होगा और बात का हिसाब होगा। यहाँ की जनता का रही सबसे पहले तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जिस पार्टी की मैं नुमाइंदगी करता हूं और जिस पार्टी ने आज भिवंडी में बदला, मैं समझता हूं कि भिवंडी के आवाम के दिल की ये आवाज है कि बहुत दिनों से भिवंडी की तरक्की को रोका गया था और आज पिछले एक साल में कोविड के बाद जिस तरह से एक के बाद एक काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि भिवंडी वालों को अब ये लगता है कि भिवंडी के अंदर जो सपना जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने देखा था और आज नाजिर जावेद ने जो यहाँ पर कहा है कि भिवंडी नया भिवंडी बनेगा, उसकी तरफ हम बहुत आगे बढ़े। असेंबली के अंदर जैसे कि एक सूखा पड़ गया था, 10 साल से एक ऐसा शख्स वहां पे गया था जो भिवंडी के आवाम की नुमाइंदगी के नाम पे वहां पहुंचा तो था लेकिन भिवंडी की आवाज नहीं उठाता था। मैं तो 10 साल नहीं 15 साल की बात करूंगा, लेकिन आपने जो ताकत दी उस ताकत की बुनियाद में रोड ही नहीं बन रहा, पाइपलाइन बदल रही है। मैंने कहा जिस तरह से बंबई में फुटपाथ बनता है ना, उसी तरह से भिवंडी में बनेगा। इस शहर का जहां फुटपाथ का नाम नहीं था, आज कांग्रेस का फुटपाथ बन रहा है। 50 साल पुरानी पानी की लाइन बदल रही है, 22-22 स्कूल जहां पे हमारी 2000 बच्चियां पढ़ाई करती थी वो 25 स्कूल को बंद कर दिया गया। आज 7 करोड़ की लागत से वो स्कूल बन रही था तो गायत्री नगर के लोग आए, बोले तो हमने क्या गुनाह किया, 17 करोड़ बीएमसी से हमने लाया और वहां भी रोड बना दिया, अब वहां का काम चालू होगा। ये उद्घाटन के बाद उसका उद्घाटन होगा। मेरी ताकत आ जाओ और इसी तरह से आप मेरे साथ खड़े रहना। मैंने अभी एक भाषण में कहा था कि गोवंडी में बहुत काम हुआ था जब मैं नगर सेवक था, बहुत काम, मतलब मैं पीछे जाके देखता हूं कि पानी का मसला हो, सड़क का मसला हो, स्कूल का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून मिलता है कि ये मसलों को हल करके 5 साल में हम निकले। तो मैंने मदनपुरी में काम किया, लेकिन ये सारे काम जब हुए तब एक बात थी भाई, रईस शेख जब रस्ते पर उतरता था ना तो उसके पीछे आवाम का एक समंदर होता था, मंत्रालय में या कॉरपोरेशन बैठा हुआ कमिश्नर बोलता था क्या रईस शेख का मोर्चा मुझे नहीं चाहिए, उसका काम पहले करूं। आज मैंने वो सैलाब देखा जब मैं यहां से सागर प्लाजा रोड पे आ रहा था, और मेरे भाइयों मेरी बहनों आप याद रखो, आप सिर्फ रईस शेख के पीछे खड़े रह जाओगे ना जैसे आज खड़े हो, हर हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा और हर हक आपका जीत के लेके आऊंगा। और सिर्फ ये नहीं कि सड़कों के लिए, सिर्फ ये जो असेंबली में खड़े रह के इनके करप्शन के बारे में बोला, लेकिन मुस्तकबिल क्या चाहिए, मुस्तकबिल में हमको चाहिए एक अच्छी टीम। कुछ मत दीजिएगा क्योंकि मैं मेरे बच्चों को पूरा हक दिलाना चाहता हूं। आप ताकत दीजिए, मैं ईमानदारी से मेरे साथियों के साथ आपकी खिदमत करूंगा। मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा कॉरपोरेशन में क्योंकि मैं 3.5 साल में आपको अपना किरदार दिखा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आसिम भाई एक बार कॉरपोरेशन की उस सीढ़ी पे चढ़े और समाजवादी के मेयर के सर पे ताज रखे, क्योंकि मैंने देखा बगावत। मैं और आसिम भाई खड़े थे और हमारे नगर सेवक जिनको समाजवादी ने चुन कर, मैंने बहुत वक्त ले लिया, दिल की बातें थी आपसे किया, अगर आपको समझ में आई हो तो मेरी बात पूरे शहर में पहुंचाइए। मैं एक सपना देख रहा हूं, मैं एक ऐसा सपना देख रहा हूं जिसमें लोग भिवंडी को देखने आ रहे हैं, भिवंडी की तरक्की को देखने आ रहे हैं, भिवंडी की स्कूल को देखने आ रहे हैं, भिवंडी की तालीम के निजाम को।
नहीं क्या?